गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम लोग इसमें शुरू करेंगे बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्ड कैसे बनता है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है। बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए चार थ्योरी डेवलप करी गई थी। पहली थी मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, सेकेंड थी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और थर्ड थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और फोर्थ थी लिगेंड फील्ड थ्योरी। हमको ये दो थ्योरी पढ़नी है अपने सिलेबस में, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। यही सिलेबस में बोर्ड में है, यही नीट में है, और यही आईआईटी में है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज बैलेंस बैंड थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बीबीटी। पॉलिन साइंटिस्ट ने दी थी। इसमें बताया गया है हाइब्रिडाइजेशन, जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो मेटल अपने दो इलेक्ट्रॉन, मतलब लिगेंड अपने दो इलेक्ट्रॉन देता है मेटल के लिए और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। जब भी कभी बॉन्ड बनेगा, अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब है कि 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने। कोऑर्डिनेट नंबर 4 है तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ सीएमआई इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विद लिगेंड्स। लिगेंड से कोई सीएमआई जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है वो होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब अगर मान लो किसी मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब हुआ कि वो मेटल 6 बॉन्ड बना रहा है लिगेंड से, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब मेटल के पास 6 ऑर्बिटल्स वैकेंट होंगी, क्योंकि जब एक बॉन्ड बनेगा तो लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसके पास रखने की जगह होनी चाहिए। जगह मींस वैकेंट ऑर्बिटल। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 ऑर्बिटल वैकेंट हो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 4 ऑर्बिटल्स वैकेंट हो, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो 5 ऑर्बिटल्स वैकेंट हो। तो ये थ्योरी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि सेंट्रल मेटल आयन अपने पास उतनी ऑर्बिटल्स वैकेंट करता है जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, फिर वो सीएमआई उन वैकेंट ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन करता है। हाइब्रिडाइजेशन मींस उन सबकी एनर्जी इक्वल करता है, फिर वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है लिगेंड से। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर हम 6 की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दो हाइब्रिडाइजेशन होंगे बच्चों, या तो होगा D2SP3 या होगा SP3D2। इन दोनों में 6 ऑर्बिटल्स बन रही हैं। डिफरेंस क्या है, यहां पर जो d ऑर्बिटल पार्ट ले रही है वो अंदर वाली इनर सेल वाली, यानी n-1d, और यहां पर जो d पार्ट ले रही है वो बाहर वाली सेल की, यानी nd। n इज द आउटर मोस्ट सेल। जैसे किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 3d 4s 4p 4d, अगर ये वाली d पार्ट ले तो हम कहेंगे इनर ऑर्बिटल, और अगर ये वाली d पार्ट ले तो हम बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बाहर वाली डी पार्ट ले रही है, बाहर वाली का मतलब आउटर मोस्ट सेल, यानी ये जो कॉम्प्लेक्स हैं इनको हम नाम देते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनको हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनको हम बोलते हैं लो स्पिन, इनको हम बोलते हैं हाई स्पिन। लो स्पिन का मतलब ये है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत लेस होंगे, और यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, यानी इनका म्यू बहुत कम होगा और इनका म्यू बहुत ज्यादा होगा। म्यू इज द मैग्नेटिक मोमेंट, जो कि फर्स्ट वीडियो में आप लोग निकाल चुके थे। तो क्वेश्चन क्या आएगा, कोई भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला आपको कॉम्प्लेक्स गिवन होगा, उसमें या तो हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा, या पूछा जाएगा कि लो स्पिन है या हाई स्पिन है, या पूछा जाएगा कि इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है, या पूछा जाएगा कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसमें
प्रेजेंट है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो पैरामैग्नेटिक होगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो डायमैग्नेटिक होगा। मैं सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहा हूं। उससे पहले आपको एक बात और याद रखनी है, दो टाइप के लिगेंड होते हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और कुछ होते हैं वीक फील्ड लिगेंड्स। वीक फील्ड लिगेंड्स में आप लर्न कर लोगे हैलोजन और वाटर, वीक फील्ड लिगेंड होता है, बाकी सारे लिगेंड आप स्ट्रॉन्ग फील्ड वाली कैटेगरी में रख दोगे, जैसे साइनाइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, इथाइलीन डाइएमीन हो गया, NH3 हो गया या बाकी जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वीक फील्ड लिगेंड आप याद कर लोगे हैलोजंस, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और H2O। मैं बताऊंगा कि वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड हम कब बोलेंगे, किसको बोलेंगे, अभी जब मैं एग्जाम्पल दूंगा तब। सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का एक एग्जाम्पल लेंगे। ठीक, हमने मान लो एग्जाम्पल ले लिया CO NH3 का होल 6, ये कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसका हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, इस पे चार्ज है +3। सबसे पहले आप इस कोबाल्ट यानी सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, CO+6 अमोनिया इक्वल टू +3। अमोनिया का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +3। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब कोबाल्ट अपने पास 6 ऑर्बिटल पहले खाली करेगा, वैकेंट करेगा, फिर उसमें हाइब्रिडाइजेशन करेगा, फिर अमोनिया से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कोबाल्ट का बच्चों एटॉमिक नंबर 27 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 4s2 3d7, 4p भी होगा 4d भी होगा लेकिन उनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जब ये हम लिखेंगे तो 1 2 3 के ऑर्डर में लिखेंगे, 4s बाद में, 3d पहले। इस कॉम्प्लेक्स में हमारा मेटल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स आप निकालोगे तो आपको पता है पहले 2 निकलेंगे 4s से और फिर 1 निकलेगा 3d से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 3d6 4s0 4p0 4d0। अब आप ऑर्बिटल्स बना लोगे, डी में 6 ऑर्बिटल है, ध्यान रखना ये वाला डी पार्ट लेगा हाइब्रिडाइजेशन में तो इनर और ये वाला डी पार्ट लेगा तो आउटर। 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भरो, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये आया 4s, फिर ये आया 4p। लिगेंड NH3 है और NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। मैंने आपको बताया है हैलोजंस और वाटर को आप वीक फील्ड मानोगे, बाकी सबको स्ट्रॉन्ग फील्ड। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग फील्ड का ये मतलब हुआ कि जब लिगेंड आएगा इससे बॉन्ड बनाने तो इन इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेगा और इतना रिपेल करेगा कि इनको अंदर भेज देगा, पेयरिंग करवा देगा इनकी। जो पेयरिंग करवा दे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड और जो पेयरिंग ना करवा पाए वो वीक फील्ड लिगेंड होंगे। तो लिगेंड हमारा है अमोनिया, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। नेक्स्ट स्टेप में आप इनकी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देंगे, क्योंकि जब अमोनिया पास आ रहा होगा तो इनको पेयर अप करवा देंगे। हमने ये बनाया नहीं है 4d क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। अब पेयरिंग हो गई, अब 6 ऑर्बिटल्स ये वैकेंट है, इनमें हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहां से शुरू कर दो लेना जहां से खाली ऑर्बिटल्स, तो ये हाइब्रिडाइजेशन होगा d2 क्योंकि 2d ऑर्बिटल आई, 1s आई और 3p आई, d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखो अंदर वाला डी पार्ट लेगा तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। अब जब इनमें हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो इनकी एनर्जी बराबर हो गई, अब ये एक ही लेवल में आ जाएंगे, जो बीच में ये गैप है ये गैप फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट केस में हम यहां लिख रहे हैं कोबाल्ट +3, ये 3 ऑर्बिटल्स हैं जिसमें कि 2 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
सिक्स ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 6, आप लिखोगे 6d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये जो 6 हो गई हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारी बन गए। अब आएंगे अमोनिया 6 और 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे। कोबाल्ट पे अमोनिया आए, अमोनिया पे बच्चों चार्ज था 0 और कोबाल्ट पे था +3, तो ये +3 एज सच मेंटेन रहेगा ऐसे ही। ये हो गया। अब यहां पे आए अमोनिया, एक अमोनिया आएगा एक बॉन्ड बनाएगा, यानी दो इलेक्ट्रॉन सीएमआई को दे देगा। जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन है उनको हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट करा है। सेकेंड अमोनिया आएगा फिर 2 इलेक्ट्रॉन देके एक बॉन्ड बनाएगा। थर्ड आएगा, ऐसे करके ये बॉन्ड बनते हुए चले जाएंगे। ये हो गया, हमने पहला अमोनिया रिप्रेजेंट कर दिया, लास्ट वाला बीच में एक लाइन खींच दी। यानी इस पूरे कॉम्प्लेक्स में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, ड्यू टू, पहली बात तो D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बच्चों D2SP3 हो या SP3D2 हो, दोनों केसेस में इसकी जो शेप होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी। D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन इट हैज ऑक्टाहेड्रल शेप। इसकी जो शेप होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी, और ऑक्टाहेड्रल आप बना दो, पहले एक स्क्वायर बनाओ और थोड़ा सा लेफ्ट में झुका दो ऐसे। ये बना एक स्क्वायर, सेंटर में आया कोबाल्ट और ये लग गए 6 अमोनिया। 1 अमोनिया यहां, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6। इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज आया +3। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे, पहला काम तो हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा, तो आप लिख दोगे D2SP3। इस कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखो कोई भी नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0, और जब 0 है तो कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। अंदर वाला डी पार्ट ले रहा है तो इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और इनर वाले ही होते हैं लो स्पिन क्योंकि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कम है, 0 है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर होगा तो भी कम है। पहले देखो ज्यादा थे, जब कंपाउंड बना तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, यानी लो हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, इसलिए हमने नाम दिया लो स्पिन। सिंपली D2SP3 लो स्पिन होते हैं और SP3D2 हाई स्पिन। इतने पार्ट पूछे जाएंगे, ये आप देख लो बच्चों, ये मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड नहीं करूंगा, आपको इस वीडियो से देख के, ये फर्स्ट एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का, बिल्कुल इसी ऑर्डर में आप कंप्लीट करोगे। ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने वाला पार्ट आप रफ में करोगे, ये आपको फेयर में नहीं लिखना है। आप ये कॉम्प्लेक्स लिखोगे और बिल्कुल इसी ऑर्डर में एक भी स्टेप कट नहीं करना, ना कोई बढ़ाना ना कोई कट करना, यहां तक लिख दो। ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में बच्चों हमने जो लिगेंड लिया था वो लिगेंड लिया था स्ट्रॉन्ग फील्ड, अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे वीक फील्ड। आपको पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इन इलेक्ट्रॉन्स की अंदर पेयरिंग करवा देते हैं और वीक फील्ड वाले पेयरिंग नहीं करवा पाते। हमने एग्जाम्पल ले लिया CO Cl6 3-, इसमें आप कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे 6Cl = -3, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, सॉल्व कर लिया तो कोबाल्ट पे कितना आ गया +3, यानी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाला +3 आया। अब हमने कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा 27 वाले का 3d7 4s2, +3 का निकला, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, 2 यहां से गए और 1 यहां से गया, तो यहां 0 हो गया और यहां 6 हो गया। फिर हमने इन ऑर्बिटल्स को बना लिया, यहां पर 4d भी बनाना पड़ेगा, वीक फील्ड में 4d की भी जरूरत पड़ती है, ये 3d है और ये 4d है। अगर हाइब्रिडाइजेशन में ये पार्ट लेगा
तो इनर ऑर्बिटल और ये पार्ट लेगा तो आउटर ऑर्बिटल। अब जो लिगेंड है वो है Cl और Cl होता है Cl- जो होता है वो होता है वीक फील्ड लिगेंड, तो इन इलेक्ट्रॉनों की अंदर पेयरिंग नहीं करवा पाएगा लिगेंड। हमको चाहिए सिक्स ऑर्बिटल्स, तो जहां से ऑर्बिटल्स खाली हैं वहां से लेना स्टार्ट करो और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2, क्योंकि अब मजबूरी हो गई बाहर वाली d ऑर्बिटल्स हमको लेनी पड़ेगी। ये देखो ये 5 ऑर्बिटल्स, ये बनी 6d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब बच्चों इसके पास आएंगे 6 क्लोराइड बॉन्ड बनाने कोऑर्डिनेट, क्लोराइड में -1 चार्ज होता है, तो जब 6 क्लोराइड आएंगे इसके पास तो माइनस का 6 चार्ज आएगा, प्लस का 3 पहले से ही था तो बचेगा माइनस का 3, वही कंपाउंड आ जाएगा। हमने लिया CO Cl6 -3 चार्ज, समझ में आ गया 6 क्लोरीन माइनस का 6 लेके आए होंगे, प्लस का 3 पहले से ही था आपने सॉल्व कर लिया तो -3 बचा, इसीलिए वहां पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर -3 चार्ज लगाया। अब देखो 1 2 3 4 ये हो गए बच्चों ये d6 इलेक्ट्रॉन, और ये जो खाली ऑर्बिटल्स हैं 1 2 3 4 5 और 6, एक क्लोराइड आएगा एक बॉन्ड बनाएगा, दूसरा आएगा दूसरा बॉन्ड, ये 6 बॉन्ड इस टाइप से बन गए। ये जो मैं क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन दिखाता हूं ये लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आंसर आ गया, आप लिख दोगे लैंग्वेज DO2 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, इट हैज ऑक्टाहेड्रल शेप, दोनों केसेस में ऑक्टाहेड्रल ही होगी, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमेशा ऑक्टाहेड्रल होगा। ऑक्टाहेड्रल बनाओ, उसमें मैंने हल्का सा इस साइड में ले लिया था, आप ना लो बिल्कुल स्क्वायर बना दो तो भी सही होगा। यहां पे लग जाएंगे 6 क्लोराइड 1 2 3 4 5 6 पूरे स्क्वायर ब्रैकेट पे जो चार्ज है वो माइनस का 3 है। अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, तो आप कह दोगे sp3d2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तो 4 आएंगे, देखो 1 2 3 4 4 अनपेयर्ड है तो कैसा होगा पैरामैग्नेटिक, बाहर वाला डी पार्ट ले रहा है तो बोलोगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं हाई स्पिन, इसका अगर म्यू पूछा जाएगा, म्यू भी पूछ सकते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, म्यू निकालने का फार्मूला होता है बच्चों n n+2 अंडर रूट के अंदर, n की जगह जब 4 रखोगे तो ये 6 हो गया, 4 6 24 bm, bm की फुल फॉर्म होती है बोर मैग्नेटोन। तो मैंने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको बताया कि CMI अपने पास उतनी ऑर्बिटल्स वेकेंट करेगा जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। आज हमने सारे एग्जांपल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, तो सेंट्रल मेटल आयन ने 6 ऑर्बिटल्स वेकेंट करे, फिर वो वेकेंट ऑर्बिटल्स आपस में ये वेकेंट है हाइब्रिडाइजेशन करती है एनर्जी इक्वल करती है, फिर वो बॉन्ड बनाती है लिगेंड से, ये बॉन्ड बन रहा है। तो ये दो एग्जाम्पल वाला जो पार्ट है ये हमारा एग्जाम्पल था सेकेंड, ये दोनों एग्जाम्पल, एक मैंने लिया स्ट्रॉन्ग फील्ड का और एक मैंने लिया वीक फील्ड का, ये दोनों एग्जाम्पल आप इसी वीडियो को देखते देखते नोट्स बनाओगे, पहले रफ में 2 बार प्रैक्टिस करनी है बच्चों, पहले रफ में और वो नोट्स मुझे सेंड करोगे, मैं देखूंगा जब मैं ओके कर दूंगा तब फिर वही आप अपनी फेयर कॉपी में कॉपी कर लो। मैंने आपको जितने नोट्स अभी तक सेंड कर दिए हैं वो सारे कॉपी कर लो, उसके बाद ये दो एग्जाम्पल कॉपी कर लो, ये नोट्स मैं आपको सेंड नहीं करूंगा, आपको इसी वीडियो से करना है, कोई भी स्टेप कम नहीं करना है इसमें, कोई भी बढ़ाना नहीं है। अभी हमारी 2-3 लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन ही चलेगा, अभी मैं एक लेक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का और दूंगा, उसमें और एग्जाम्पल दूंगा, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के। आपको याद रखना है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड किसे बोलते हैं, वीक फील्ड लिगेंड किसे बोलते हैं, जो पेयरिंग ना करवा पाए वो वीक
फील्ड और जो बेयरिंग करवा दे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये कॉन्सेप्ट है हमारा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। थैंक यू।